नाजरीन आदाब, खित्ते चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों की शह सुर्खियां। आने वाले जिला तरक्याती कौंसल इंतखाबात के पेश नजर सियासी सरगर्मियां तेज, कई भाजपा लीडरान व कारकुनान ने की कांग्रेस में शमूलियत। जिला इलेक्शन ऑफिसर डोडा का खुसूसी इजलास, इंतखाबी जाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल आवरी पर दिया जोर। दाली कोल्हान की मारूम शख्सियत गुलाम मोहम्मद नायक का इंतकाल, हजारों लोगों ने की नमाज जनाजा में शिरकत। धंधल की आवाम का महकमा PMGSY के खिलाफ एहतजाज, जानबूझकर कब्रिस्तान व लोगों की जमीनों में मुदाखलत का लगाया इल्जाम। और चिनाब वैली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, आगाज सपोर्ट्स क्लब डोडा मुनक्किद कर रहा है ये टूर्नामेंट। और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला डोडा में आने वाले जिला कौंसल इंतखाबात के पेश नजर सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इस सिलसिला में गुज़श्ता रोज भारतीय जनता पार्टी रामबन के जनरल सेक्रेटरी जीवन सिंह चिब, महिला मंडल प्रधान अनुराधा और मंडल प्रधान काशीगढ़ सुरेश शर्मा ने अपने दर्जनों हामियों समेत अब्दुल मजीद वानी की कायदत में कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। इस सिलसिला में वानी मंजिल डोडा में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ, जहां इन लीडरों और कारकुनान को फूलों की मालाएं पहनाकर कांग्रेस जमात में खैर मकदम किया गया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा अपने इन लोगों का जिन्होंने हम पे विश्वास किया, जीवन जी और उसकी टीम, जितने भी अहदेदार और जिम्मेदार हैं, बीजेपी जमात को छोड़कर हमारे ऊपर एक विश्वास किया, तो हम उनको अपनी पार्टी के अंदर दिल के अमीक गहराइयों से एक तो मुबारकबाद करते हैं और वेलकम करते हैं। और इनका आना एक भरोसा है, तो इस भरोसे इस विश्वास को लेकर हमने चलना है और कोशिश करनी है कि इनके विश्वास को हमेशा हम जिंदा रखें, भरोसे पर बंदी रखें और इनकी विश्वास के ऊपर जो हमने हम पे किया है उसके ऊपर उतर सके। हमारी कोई जाति किसी के साथ जंग नहीं है, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। बीजेपी पार्टी अपने सिद्धांतों के ऊपर चलती है और कांग्रेस अपने सिद्धांतों के ऊपर चलती है। कांग्रेस का एक तारीख है कि जो हिंदुस्तान की आजादी से शुरू लेकर मनमोहन सिंह जी को मौका दिया हिंदुस्तान की नेतृत्व करने का, हिंदुस्तान में एक तारीख है कांग्रेस की, कांग्रेस के कार्य की, उनके जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो उसी लिए इन्होंने भी विश्वास किया कि हिंदुस्तान की हम सब लोगों के लिए हिंदुस्तान प्यारा है, हिंदुस्तान की एकता प्यारी है, हिंदुस्तान की अखंडता प्यारी है। हिंदुस्तान है तो हम लोग हैं, मुल्क है तो हम लोग हैं। जो ताकतें मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करेंगी उनका मुकाबला हमने इकट्ठे होकर करना है, और ये हमें आगे चलकर जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी ताकत एक नहीं होगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा नहीं होगा, तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी एकता जरूरी है, मुल्क की एकता के लिए हमारा इकट्ठा होना ही मुल्क के लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रधान सराज काशीगढ़ सुरेश कुमार शर्मा। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 71 जो जिन जिन को अपने अपनी मंडल की टीम जो उनको अपना अपना जो ओहदा है उस ओहदे पर वो कायम थे, आज से 20 दिन पहले इन्होंने एक मीटिंग बुलाई हमारे डोडा के अंदर कि आपको अपने मंडल से 3 नाम घोषित करने हैं।
हमने 3 नाम घोषित किए, लेकिन जो हमारा संगठन दृष्टि के मुताबिक हमने जिस आदमी को पार्टी दी, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उस हमारी पार्टी के ऊपर हमको नजरअंदाज किया। और जितने भी कार्यकर्ता कास्तिकर मंडल के थे, उन सब ने ये एक ही तय कर दिया कि हमको इस पार्टी के अंदर रहना नहीं है। कि जो लोग पार्टी का नियम नेतृत्व के मुताबिक वो हम पर खड़े नहीं उतरे, जो हमारी सीनियर टीम जो है स्टेट की, तो सब आदमी ने यही विचार किया है कि हमारा एक ही आदमी है जो हमारे दामन को थाम सकते हैं, वो है हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब डोडा से। तो हम इनके पास से इनके उसमें आगे जाना, वैसे ही आधे घंटे के बाद वहाँ से नाम हमारा कट जाता है और तीसरे नंबर वाला जो कैंडिडेट है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। सर, इस चीज का हमें बड़ा दुख होता है। जो 10 साल से हम पार्टी में रहकर 2 बार मंडल प्रधान बनके पूरे बूथ टीम, बूथ प्रेसिडेंट, मंडल प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, इतनी टीमें बनाने के बावजूद, 10 साल देने के बावजूद हमें कोई भी हक नहीं दिया जाता है। तीसरे बंदे को लाया जाता पार्टी में, सर हमें फिर ये मंजूर नहीं है। ऐसी पार्टी में, जिस पार्टी में हमारे बूथ वर्कर जितने भी हैं, बूथ प्रेसिडेंट है, इनकी बात ही नहीं सुनी गई, तो इस पार्टी में हमारे रहने का कोई फायदा नहीं है। जो भाईचारे को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सबका एक साथ विकास हो, सब एक साथ खड़े हों, लेकिन जब ये बांटने की बात आ जाती है तो सर ये ऐसी पार्टी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसलिए हम इस पार्टी को त्याग रहे हैं और हम यहाँ पे आके जनाब हमारे जो वानी साहब हैं, हम इनके साथ ज्वाइन हो गए। इन्होंने हमको अपने संपर्क में दिया, इनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहा। बोलते हैं ना, जो रास्ते पे तो सब चलने की राह बताते हैं, लेकिन जो भटक जाए, भटकते हुए को जो अपनाए, उसी को सबसे बड़ा कहते हैं। हम वोटर बने तब से हमने बीजेपी का दामन थामा है। हम बड़ी लगन से बीजेपी से जुड़े रहे, बूथ से लेके, बूथ प्रेसिडेंट से लेके, उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके, आज डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जब तक पहुंचे। 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बीजेपी के अंदर रहा। ग्राउंड सत्ता से लेके हमने पार्टी को उस लेवल तक पहुंचाया कि जहां बीजेपी की मीटिंग होती थी ब्लॉक काशीगढ़ में, 2 से 4 बंदे वहां नहीं होते थे। ऊपर वाले का शुक्र है आज कि अगर मैं एक फोन करूंगा वहां पे 300-400 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मगर इसके लिए हमने अपने आप को त्यागा था। किस लिए? कि जब भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है किसी पार्टी के अंदर, उसका एक ही कारण होता है कि अगर जब काम करना है तो उसको बड़ा ईमानदारी से करना, जहां रहना तो ईमानदारी से रहना, उसके बीच में पार्टी के अंदर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, यही एक पहचान होती है वर्कर की। अगर हम डबल स्टैंडर्ड पार्टी के अंदर रहेंगे तो इसमें हम ऐसा नहीं करते। हमारा जो पार्टी के साथ रहा था रिश्ता पार्टी का, वो एक बहुत ऊपर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तो स्टेट लेवल तक पहुंच गया था। मगर मुझे आज ऐसा लगा कि लीडर वही होता है जिसके साथ पब्लिक होती है। आज के टाइम जब हमारा ये सिस्टम चला BDC इलेक्शन के टाइम, DDC इलेक्शन के टाइम, तो हमने पूरी अपने रामन कंस्टिट्यूंसी के अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैंने मंडल वाइज जितने भी बनाल के मंडल थे, रामन डिस्ट्रिक्ट के मंडल थे, डोरा डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा मंडल है, 3 डिस्ट्रिक्टों का मैं हैज ए पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था। हर मंडल वाइज जो हमारे गाइडलाइन की गई पार्टी की तरफ से कि आपने मंडल वाइज मीटिंग करनी है, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल करनी है, बाद में कोर कमेटी के अंदर डिसीजन होना है। मैं डिस्ट्रिक्ट का कोर कमेटी का मेंबर था जब हमारा ये डिसाइड हो गया, उसके बाद ऊपर चला गया जो पार्टी के नियम थे। मगर आप पार्टी ने इतनी धोखेबाजी की, पार्टी कभी ये नहीं चाहती है कि कोई भी वर्कर अगर सच्ची राह पे चलता है, जब वो पहुंच जाता है कि पार्टी को पूरा अंदर से जान लिया इसने कि पार्टी क्या है, तो उस टाइम उसको साइड करने की कोशिश करती है। मैंने आज तक मैक्सिमम देखा कि जो भी बीजेपी के वर्कर डोडा के अंदर है, इतने बड़े बड़े पुराने वर्कर है, आज वो साइलेंट क्यों है, इस चीज का एहसास मुझे आज हो रहा है जब इन्होंने कैसे हमारी टांगे काटी। हमारा ये नहीं है कि हम किसी बीजेपी के साथ जुड़े थे, हम एक संगठन के साथ जुड़े थे, संगठन के साथ काम कर रहे थे। मगर आज के टाइम जो इन बीजेपी ने जो हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमारी विचारधारा के साथ खिलवाड़ किया, हर एक व्यक्ति के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया, उसका जो असली राज जो अंदर का है, ये अब ये डिटेल में मैं आपको बात नहीं कर सकता हूँ कि अगर करूंगा तो उसके लिए आप मुझे बहुत प्लेटफॉर्म चाहिए। हम लोगों ने ये डिसाइड किया, मैंने इनके ऊपर बोला कि आप क्या करते हो, फिर एक मंडल की तरफ से मैंने बुलवाया गया। जब इन्होंने सब ने जब इस पार्टी को रिजाइन किया, अलविदा कर दिया, और उसके ऊपर गीता नीचे हमारे जो कुरान जो मुसलमान भाई थे, हमने एक अग्नि भी जलाई थी उसके ऊपर, जो दिया जलाया था उसके ऊपर हाथ रख के बोला हमने कि जब इस पार्टी को हम लात मारेंगे तो जिंदगी में ये मुझे फोन करते हैं, हम तुझे MLA की टिकट देंगे, ये करेंगे, तो इतने बड़े बड़े भाषण क्यों करता है भाई, मैं थूकता हूँ तुम्हारी MLA की टिकट पे, थूकता हूँ तुम्हारे इस बीजेपी को, जिन लोगों ने हमारे बीजेपी को बड़े उस तरीके से हमें बार किया।
अब हमारे हमेशा इनका आज की यह बात है कि 2014 से पहले इतने जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमें इन लोगों से पूछा जाए कि 2014 तक हमारे नरेगा की तरफ से इतनी डेवलपमेंट होती थी कि नरेगा से ही अपने लोग पेट पाल देते थे, मगर आज के टाइम 2014 के 15-16-17 अभी लोगों के पास चार चार फाइलें पेनी है, नरेगा के पैसे नहीं मिल रहे। बताओ ये डेवलपमेंट है? ये इनका सच्चा जो इनका अब चेहरा है, ये मैं अब कुछ ही टाइम के बाद जो डोडा मंच से बोलने वाला हूँ कि ये इनकी औकात क्या है, अब ये नहीं बचने वाले कि इनके अंदर क्या जो है, एक सिर्फ एक ट्रेंड पे इलेक्शन लड़ने चाहते हैं, अब ये सच्चाई पे इलेक्शन लड़ेंगे, जब सच्चाई पे इलेक्शन लड़ेंगे तो इनकी सफाया हो जाएगा। और मैं ज्यादा आप इस टाइम आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, जब हमने ये डिसीजन कर दिया कि हम अब जो हमारे तगावर रहता है यहाँ पे वानी साहब, हमने इनका दामन थाम लिया, अब जो ये डिसीजन करेंगे हम उस लक्ष्य में चलना जहाँ इनका पानी लगेगा वहां जीवन अपना खून बहेगा, मगर खास करके डोडा से सबसे पहले मैं डोडा से इन जितने भी चोर हैं इनका नगा चेहरा सामने लाऊंगा और यहाँ से इनकी सफाया करूंगा आने का। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड ने आज आने वाले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंतखाबात के लिए तैनात नोडल ऑफिसरान व तहसीलदार साहिबान के साथ खुसूसी इजलास में इंतखाबी जाब्ते इखलाक पर सख्ती से अमल आवरी की तलकीन की। इलेक्शन ऑफिसर ने होने वाले इंतखाबात के लिए तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने साफ शफाफ मुनसिफाना और गैर जानबदारा इंतखाबात की अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ऑफिसरान को चुकन्ना रहने की भी तलकीन की। डोडा के मशरिकी इलाका दाली कुल्हाण से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सियासी शख्सियत गुलाम मोहम्मद नायक आज सुबह आबाई गांव नौपुरा कुल्हाण में नमाज जनाजा अदा होने के बाद सुपुर्द खाक किए गए। मरहूम कल मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए थे। मरहूम गुलाम मोहम्मद के पसमानदगान में अहलिया, चार फर्जंदान हबीजुल्ला, हमीदुल्ला, माजिदुल्ला और सबूरुल्ला, इसके अलावा दो दुख्तरान मौजूद हैं। मरहूम तवील अरसे तक इलाका में सरपंच के तौर अवाम की खिदमत करते रहे हैं। मरहूम को डोडा की सियासी कायदत बशमूल मरहूम लसाजू वानी, ख्वाजा गुलाम कादिर वानी, मरहूम अताउल्ला सोहरवर्दी, अब्दुल मजीद वानी और खालिद नजीब सोहरवर्दी के साथ मुख्तलिफ अवकात में काम करने का मौका मिला। समाज के तमाम तबकों ने मरहूम की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए गमजदा आयाल से ताजियत का इजहार किया है और उन्होंने मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ की है। मरहूम एक संजीदा, बरदबार और दूरंदेश तबीयत की मालिक थे। डोडा के मगरबी इलाका दंदल में लोगों ने महकमा PMGSY पर इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा ने जानबूझकर कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए सड़क की सर्वे के बरखिलाफ तामीर के दौरान लोगों की अराजी में मुदाखलत की है। लोगों का यह भी इल्ज़ाम है कि महकमा ने दंदल में मौजूद बच्चों के लिए मखसूस कब्रिस्तान में भी नुकसान किया है और नाजायज तौर पर तजावजात की हैं। इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया और रियासी हुकूमत से अपील की है कि वो इस हिसास मसले में मुदाखलत करके लोगों के साथ इंसाफ करें। नमस्कार, मैं हूं हरदेव मुनास और आप देख रहे हैं यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर PMGSY सड़क दंदल पर ये काम चल रहा है। यहां पर अर्थ कटिंग की जा रही है। लोगों का यहां पर मतालबा है कि 2013 के मुताबिक जो सर्वे किया गया था और उसके मुताबिक यहां पर जेई जो PMGSY रोड यहां पर जो तैनात जेई है, यासर नाम का जो जेई है, उसने अपनी मर्जी के मुताबिक ही यहां पर अलाइनमेंट को पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी चेंज किया है और नीचे दिलहान की तरफ ले जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से, ये भी कहूँ कि यहाँ पर इसके साथ में शिशु समाधि वो उसके बीचों बीच अलाइनमेंट चेंज करके उस सड़क के काम को कर रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी नाराजगी। आगे बताएं जी, यहाँ पर क्या परेशानी चल रही है? आज यहाँ पर आप एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, क्या परेशानी चल रही है रोड के मसले पे? सर, मैं मीडिया को नमस्कार करता हूँ और डोडा DC को भी नमस्कार करता हूँ। ये जो गुरमुल धंधल रोड महकमा PMGSY की तरफ से चल रहा है, इसका सर्वे 2013 में हुआ है, तब से आज तक इस रोड पर काम नहीं था, तो आज रोड पर काम चल रहा है। ये जो रोड का काम आज खास दंदल में चल रहा है, इसमें ये दिक्कत आ रही है कि ये जेई PMGSY का यासर जरगर डोडा वाला, आगे हमारे बच्चों के कब्रिस्तान आ रहे हैं,
हिंदू बच्चों के, यह हमारे साथ बहुत बुरी नफरत फैला रहा है हिंदू के साथ। अलाइनमेंट चेंज करके उस एरिया से ये मशीन को चला रहा है अर्थ कटिंग वाली। यासर जेई हमारे साथ बहुत ही नफरत करता है, ऐसा जैसा मुलाजम मैंने कहीं नहीं देखा है इस हिंदुस्तान में। तो लिहाजा मैं मीडिया से ये गुजारिश करता हूँ कि अलाइनमेंट न चेंज की जाए और कब्रिस्तान को बचाया जाए। जो पहले ही अलाइनमेंट है उसी अलाइनमेंट पर मशीन चलनी चाहिए। डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऊपर से जहाँ से ये मशीन चल रही है यहाँ पर प्योर खाली ही स्टेट लैंड है। जेई का मकसद है कि नीचे से 8 मकान आ रहे हैं, 8 मकानों से इसने कमीशन खाई है छुपके। यार एक मकान का 50,000 रुपया मांग रहा है कि मैं आपके मकानों का अच्छा मुआवजा बनाऊंगा, मैं भी कमाऊं और तुम भी खाओ। लिहाजा हम लोगों को ये बुद्धू बना रहा है। गवर्नमेंट का यहाँ पर करोड़ों रुपये का नुकसान जेई कर रहा है। अगर जेई ऐसा कर रहा है, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं जो मकान नीचे से आ रहे हैं मशीन की जद में, जेई अपनी तनख्वाह से पैसा उनको दे। जेई ने बहुत पैसा कमाया है इस एरिया में। नमस्कार सर, मैं मीडिया के माध्यम से जनाब यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का रोड के बारे में कुछ मसला चल रहा है। यहाँ पे यासर जेई जो है अपनी मन मर्जी से सर्वा जो अप डाउन कर रहा है, ये बिल्कुल अपनी मन मर्जी से कर रहा है। यहाँ पे पटवारी साहब मिर्ज़ा मोहम्मद असलम साहब जो हैं उनको यहाँ एक दो बार लाया और उन्होंने निशानदेही वगैरह कुछ नहीं की, और जो निशानदेही हुई भी वो जहाँ पार्क ये बीच में जो नाला आता है वहाँ तक निशानदेही हुई है, और उसके आगे यासर जेई जो है अपनी मनमर्जी से इस रोड को नीचे आगे कब्रिस्तान आ रहा है, कब्रिस्तान के बीच में से ये रोड को निकालने जा रहा है। ऊपर से स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड से गवर्नमेंट का कोई भी नुकसान नहीं होता है, और ये जो यासर जेई है ये लोगों को अपनी कमीशन के लिए अपने लोगों को मकान वगैरह जो यहाँ पे इन्होंने बने हुए हैं वो खेलना चाहता है और उनसे कमीशन खाना चाहता है। हम डीसी साहब डोडा से ये गुजारिश करते हैं कि इस रोड के बारे में कितनी जदोजहद की, यहाँ के जो लोग यहाँ के हैं उन्होंने कितना जदोजहद किया, 2 साल तक कंटिन्यू जदोजहद रहा। 2013 में जो ये सर्वे हुआ था और इसको यासर जेई जो है PMJSY का, उसने अपनी मन मर्जी से 3 दफ़ा इस रोड का जो सर्वे हुआ इसको अपनी मर्जी से अलाइनमेंट चेंज की है, और इस अलाइनमेंट को इसने आगे एक जिग पॉइंट बनाया है। अगर ये रोड जाती है तो यार पब्लिक प्लेस जो है नीचे छानका जाना चाहिए था ना। अगर इसने अपनी मर्जी से इसको पीक पॉइंट से नीचे उतारा, क्यों उतारा, इसकी क्या वजह है? क्या ये घिने चुने अनासरों पे चल रहा है? क्या इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? मैं मीडियम की माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा डाइवर्ट सागर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे फौरी तौर पे इस कोई ऐसी टीम भेजी जाए जो अनिष्ट है, एक्सएन साहब हैं, AW साहब हैं, उनको यहाँ पे मौके पे भेजा जाए। यहाँ पे जो ठेकेदार है, ठेकेदार को भी दबाव है ऊपर से, जेई साहब बोल रहा है कि तू नीचे से रोड को ले जा। यार ये अपनी मन मर्जी से जेई साहब, जो यासर जेई कोई यासर जेई है ना मालूम, हम उसको शक्ल से भी नहीं जानते हैं, ये पता नहीं क्या किस आदमी ने इसको यहाँ किस पार्टी से ताल्लुक रखता है और अपनी मर्जी से आगे कब्रिस्तान आ रहा है। ये आगे हम आपको दिखा रहे हैं कुछ मकान आ रहे हैं, इन मकानों के बीच से इस रोड को गुजरना चाहिए, और जो स्टेट लैंड है इसमें कोई भी गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, और ये यासर जेई जो है अपने मफाद के लिए अपने कमीशन के लिए कुछ मकान यहाँ पे लाना चाहता है। मैं फूल सिंह डंडल हूँ, मीडिया और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लाइन जो स्टेट लाइन थी ये बगैर किसी लालच बगैर किसी सिफारिश के मंजूर हुई थी और इसका निशानदेही हुई थी। तो आज जेई साहब कुछ इसमें ये अपनी लालच की वजह से लाइन को नीचे डाउन कर रहे हैं और पुराने सरुए को छोड़ दिया है। जो ये पुराना सरुए था इसमें ये गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं था, ये खालसा सरकार था। बाकी इससे आगे जब मल्टी ज़मीनें आ रही हैं और 7-8 मकान आ रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है और गरीबों को भी जुल्म हो रहा है। जनाब से अर्ज़ यही है, डीसी साहब और मीडिया वालों से अर्ज़ है कि इसको बंद किया जाए और सिलाई लाइन जो जा रही है उस पर ये काम शुरू होना चाहिए। इसी साहब से अर्ज़ गुजारिश करना चाहता हूँ
के जो ये रोड बरमल से धंधल से ये आ रही है, पहले जो सर्वा हुआ था उस सर्वे के मुताबिक अब ये जेई ने जो भी ये काम चलाया है, डॉन करके चलाया है, जो कि जिसमें आबादी और ज़मीन लैंड की आती है और ऊपर जो है वो स्टेट लैंड है और ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है। इसका मकसद है कि वो अपने कमीशन लोगों से खाए और मुआवजा बनाए, इससे ज़्यादा में कोई कुछ। आज डोडा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा किशोरी लाल शर्मा ने महकमा माल के अफिसरान के साथ गैर मामूली इजलास के दौरान रोशनी एक्ट के तहत लोगों को मालकाना हुकूक दिए जाने की मनसूखी के बारे में तफसील से बात की। उन्होंने रोशनी एक्ट के तहत मालकाना हुकूक की मनसूखी के लिए जारी शुदा हुक्म नंबर 2720 JKLD आप 2020 पर अमल आवरी के लिए अफिसरान के साथ तफसील से बात की। आठवीं जमात के सालाना इम्तहानात के सिलसिले में आज पहले इम्तहानी पर्चे का एहतमाम हुआ। इस मौके पर इम्तिहान में शामिल तालिब इल्मों का मिला जुला रद्द अमल था, जबकि कई तालिब इल्मों के वालदेन ने रियासती हुकूमत और महकमा तालीम को इम्तिहानात के लिए मुख्तलिफ ऐलानात पर भी हाड़े हाथों लिया है। क्या नाम है आपका? तौहीद हमीद भट्ट। आज पेपर था आपका? यस सर। कैसा किया पेपर? सर बहुत अच्छा। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? फरकान पब्लिक स्कूल। आपका सिलेबस कंप्लीट था? यस सर। मैं अपने टीचर्स और प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने हमें इस लॉकडाउन के दौरान भी पढ़ाया और हमें इस काबिल किया कि हमने आज पेपर दिया। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था और हम बहुत खुश हैं। आज हमने पेपर बहुत अच्छा किया। क्या नाम है आपका? गाजी हुसैन। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 8 में पढ़ता हूं। आज पेपर था आपका? हाँ, कौन सा पेपर? इंग्लिश पेपर था। सिलेबस कंप्लीट था आपका? यस सर, हमारा सिलेबस कंप्लीट था। हम प्रिंसिपल सर और पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने हमें इस लॉकडाउन में पढ़ाया और अच्छी तालीम दी। कब से आपकी क्लासेस शुरू हैं? हमारी क्लासेस अगस्त से शुरू हुई। तमाम क्लासेस लगी आपकी? यस सर, तमाम क्लासेस लगी। क्या नाम है आपका? अर्जुमन शबनम। आज पेपर था आपका? हाँ सर, आज हमारा इंग्लिश का पेपर था। कैसा किया पेपर? बहुत अच्छा। सिलेबस कंप्लीट था? हाँ, हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट था। हमारे टीचर्स ने हमारे कम्युनिटी क्लासेस के तौर पर हमें पढ़ाया और हमारा सिलेबस कंप्लीट कराया। हम अपने असातिज़ा और प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मंजर खुर्शीद। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। पेपर था आप? यस सर। कैसा किया पेपर? बहुत अच्छा। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? फरकान पब्लिक स्कूल। कैसा किया पेपर? बहुत अच्छा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रिंसिपल साहब का और तमाम असातिज़ा का, उन्होंने हमें लॉकडाउन में भी पढ़ाया। जिला तरक्याती कौंसल हल्का काहरा जकियास में उम्मीदवार महराज मलिक ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इलाका की पंचायतों का दौरा करके लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने लोगों के सामने अपने इंतखाबी मंशूर की भी तशहीर की। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब दो, सब सर, एक बार नारा ना, नार दिन से नार निकाल, एक आवाज बनी। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने वाले जिला कौंसिल इंतखाबात के लिए तैनात नोडल ऑफिसर ADDC डोडा सुरजीत सिंह की सदारत में आज खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ ऑफिसरान के अलावा सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मॉडल कोड एंड कंडक्ट यानी इंतखाबी जाब्ता इखलाक पर अमल आवरी के लिए इंतजामात का भी जायजा लिया गया। आगाज स्पोर्ट्स क्लब डोडा की जानिब से जुमा रात को स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में पहले चिनाब वैली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस मौके पर फौज की TNRR के कमांडिंग ऑफिसर अभिषेक रावक ने पहली गेंद खेलकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट के इनेकाद से मुकामी क्रिकेटर्स में काफी जोश और खरोश पाया जाता है। आगाज स्पोर्ट्स क्लब डोडा ने मुकामी
हुनर को आगे निकालने का मौका देने के लिए इस टूर्नामेंट की शुरुआत की है। इफ्ताही मैच में शाइकी ने क्रिकेट की भी भारी तादाद सपोर्ट स्टेडियम डोडा में मौजूद थी, तो सपोर्ट स्टेडियम डोडा को भी रंग बिरंगे झंडों और बैनरों से सजाया गया था। सचिन बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि जिस हिसाब से लॉकडाउन के बाद सब स्ट्रेस में आ गए थे अंदर बैठ बैठ के, इस प्लेटफॉर्म से क्या है कि माइंड सेट जो है आपका वो तैयार रहता है कि अलग अलग गेम्स के लिए आप बिजी रहते हैं, शेड्यूल बिजी रहता है, जितना बिजी रहेगा तो उतना इंसान फिट भी रहेगा। तो बहुत बढ़िया है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, बढ़िया है, क्योंकि क्या है कि अगर क्रिकेट प्रैक्टिस मांगता है और जिस तरीके से कोविड 19 की वजह से कंटिन्यूसली घर बैठ के प्रैक्टिस टोटली जा रही थी, जो यूथ है वो इफेक्ट कर रहे थे इस गेम से, और इस प्लेटफॉर्म से कम वो अपनी प्रैक्टिस में आएंगे, मौके मिलेंगे, नए नए चांसेस डेवलप होंगे, तो बेहतर है सबके लिए। बहुत ज्यादा खुश हैं हम, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो एक्सप्लोर होंगे, जितना एक्सपोजर मिलेगा हमें तो उतने ही चांसेस बढ़ेंगे आगे क्रिकेट खेलने के। ये चीजें जितनी होती रहेंगी हमारे लिए बेनिफिट है, और यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए बहुत बेनिफिट है। यहाँ पे टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है चिनाब रीजन में, सिर्फ यही है कि एक्सपोजर की कमी है। आप देख लीजिए, जिस तरीके से देखा जाए साल का सिर्फ एक ही टूर्नामेंट होता है गुफरान का बड़ा, तो आप उस एक टूर्नामेंट में कम चांसेस मिलते हैं। अगर वैसे ही दो तीन टूर्नामेंट जैसे ये इस बार ये चिन्हा वैली वाला टूर्नामेंट हो रहा है, अगर ये तीन चार होते रहेंगे उतने ज्यादा चांसेस मिलेंगे प्लेयर्स को, और उतना ही उनके लिए बेहतर है, उतने ही मौके बनने शुरू हो जाएंगे, और बहुत बढ़िया है ये चीज। लगभग ये कोविड 19 के 4-5 महीने के बाद। आपका नाम? प्रमोद ठाकुर। प्रमोद जी, कोरोना चल रहा था, पेंडुलम था, लॉकडाउन बंद था, स्ट्रेस में थे बच्चे, आप कोचिंग भी कराते हैं बच्चों के साथ, डीलिंग करते हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं अभी जो एक प्लेटफॉर्म मिला है आपको लॉकडाउन के बाद खेलने को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टूर्नामेंट्स काफ़ी देर से हुए नहीं, जो कि आपको पता ही है मार्च से लॉकडाउन चल रहा था, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही थी, बट अब थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, और जो बच्चे जो खेलने वाले खासकर बच्चे जो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आज ये मौका मिल रहा है उनको कि वो बाहर आके परफॉर्म करें। और आप जानते हैं कि अगर हम बच्चों को ज़्यादा देर घर में रखें तो कितना मतलब स्ट्रेस उनके अंदर डेवलप हो सकता है, तो एक अच्छा मौका है स्ट्रेस रिलीज़ करने का। जी मैं उस हिसाब से अगर बताऊं कि डोडा हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे, आपको पता है यहाँ पे ऑल इंडिया गुफरान होता है, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है, बट कहीं ना कहीं मैं ये महसूस करता हूँ कि वो टूर्नामेंट में हमारे बच्चे अगर खेलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, उनको वो कॉम्पिटिशन वहाँ पर टफ है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है उनको ग्रूम करेंगे, इस तरह के मतलब लोकल लेवल की टीमें खेल रही हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये बहुत अच्छा है। मतलब ठीक है हमारे पास बड़े टूर्नामेंट भी होते हैं, बट छोटे छोटे टूर्नामेंट खेलने से क्या है कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बच्चों में, ये बहुत अच्छी बात है। सर कितने टाइम बाद आप आज ग्राउंड में उतरे हैं और क्या फीलिंग है आपके अंदर? जी लगभग तो समझिए मार्च के बाद आज हम खेल रहे हैं, पीछे एक टूर्नामेंट हुआ था वो भी खेला था, बट उतना मतलब हम खेल नहीं पाए पीछे लॉकडाउन होने की वजह से, बट अच्छा है अब सब अच्छा लग रहा है। तो नाज़रीन इसके साथ ही आज की खबरों का यही होता है इख्तिताम, मुझे दीजिए इजाजत।